ये देखो सोलर की जो ट्वेल चल रही, जैसे आपने ट्वेल लगवाई, अब शाम का समय हो गया, धूप खत्म होती जा रही, देखो पानी कम होता जा रहा भाई उसका, ये कितनी देर और चल जाएगी जी? अब जैसे धूप अभी आधा घंटे और चलेगी, आधा घंटा और चल जाएगी। तो यो स्टार्टर है जी इसका? यो स्टार्टर है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे स्टार्टर हो गए। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल शिवाच पे, फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज मैं पहुंचा हूं दांदूपुर गांव में, और आज आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं भाइयों, जो एक छोटे से किसान हैं जिन्होंने अपने यहीं पे खेतों में अपना गांव के बाहर मकान बनाया, और भाइयों एक बहुत अच्छा मॉडल तैयार कर रखा है। सामने देख लो घिया तोरी की बेल लग रही, नीचे मिर्च के भी पेड़ है, इधर देख लो बैंगन के पेड़ हो गए, तो हल्दी बूरी है इनके पास में, बाकी नींबू का भी पेड़ है सामने। तो एक अच्छा मॉडल अपना एक तैयार कर रखा है। सामने देख लो भाइयों तोरी लग रही। बाजार की सब्जी या कुछ भी कोई लेने की जरूरत नहीं है, एक अपनी खेतों पे अपना बढ़िया मॉडल तैयार कर रखा। और ऐसा भी किसी किसी किसान की लोकेशन आती है कि गांव के गोरे में अपने खेत आ रहे। और भाइयों एक सिस्टम और इन्होंने लगवा रखा सोलर का, जो कि सरकार द्वारा छूट लेकर अपनी 25 बीघे जमीन इसी ट्वेल के द्वारा ये अपनी सिंचाई कर रहे। तो आज एक तो सोलर के बारे में पता करेंगे, और किसान भाई से जो ये अपना यहाँ पर मॉडल तैयार कर रखा इस पर चर्चा करेंगे। इससे आगे की बात भाइयों ट्रेंच विधि द्वारा अपना गन्ना लगा रखा, आपको गन्ने की फसल भी दिखाऊंगे। तो सबसे पहले मैं किसान भाई से मिलवा दूं एक बार। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी आप। थोड़ा सा तो अपना किसान भाइयों को परिचय करा दीजिए आप। जी मेरा नाम तेज सिंह कोसवाल जी। जी गांव दांदूपुर। अच्छा अच्छा, और बस यहाँ पर खेती कर रहे हैं जी। जी तो ट्रेंच की खेती लगभग कितने साल से कर रही है? मुझे दूसरा साल है जी। दूसरा साल है जी। पहले साल तो वैसे जोतते से करी। अच्छा अच्छा, अब के साल ये ट्रैक्टर लाया जी। अच्छा ट्रैक्टर कौन सा लेकर आए जी? कुबोटो का लाया जी, 2100 पावर। कुबोटो का 2100 पावर जी। तो बड़ा ट्रैक्टर तो होगा नहीं? ना बड़ा नहीं, यही ले लिया। एक फाइनल ले लिया जी, छोटा ही। हाँ हाँ ठीक ठीक। तो भाइयों अब बात करते हैं इनसे। ये देखो सोलर की जो ट्वेल चल रही, जैसे आपने ट्वेल लगवाई, अब शाम का समय हो गया, धूप खत्म होती जा रही, देखो पानी कम होता जा रहा भाई उसका, ये कितनी देर और चल जाएगी जी? अब जैसे धूप अभी आधा घंटे और चलेगी जी। आधा घंटा और चल जाएगी। तो दोपहर में जी यहाँ तक आ जाए, इसकी धार जो है सीधी यहाँ तक आ जाए। अच्छा अच्छा, तो इससे जी आप लगभग भराई मतलब कितनी? रोजाना 4 बीघे के आसपास भराई हो जाए, जो ठीक धूप निकला था, और जो हल्की धूप रहा है तो 3 बीघे करीब जी। जी तो आपको तो ना तो बिजली के मीटर की दिक्कत? ना जी कोई दिक्कत नहीं है ना, ना बिल की टेंशन, कोई बढ़ा लो चाहे घटा लो कुछ कर लो। हाँ बिल्कुल। तो ये लगभग मुझे ऐसा लगा जी 20 से 25 साल तो इनकी गारंटी आवे। 25 साल की गारंटी। 25 साल की गारंटी, तो 25 साल तो टेंशन मुक्त हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों ये देखो इनका समरसेबल हो गया, और ऊपर अपने मकान की छत पे इन्होंने ये प्लांट सोलर पैनल लगवा रखा। तो ये कितने किलोवाट का जी? ये 3 किलोवाट का जी, 9 पैनल लगे। 3 किलोवाट का है, 9 पैनल लग रहे जी। तो थोड़ा सा इसमें आप अपने किसान भाइयों के लिए बताओ कि इसमें जो है जैसे उन्हें लगवाना, सरकार द्वारा किस तरीके से छूट ले सके? इसमें सरकार द्वारा जो छूट है वो हाथों हाथ ही मिल जा। अच्छा अच्छा, जो किसान को जमा करना पड़ता है जी जी, वो पहले जमा करवा लें वे। अच्छा अच्छा, जितना किसान का हिस्सा है, और बाकी जो गवर्नमेंट को देना होता है वो डायरेक्ट कंपनी को दे देती है, और आपका सोलर पैनल लग जाता है। अच्छा, आपका ये 3 किलोवाट के में लगभग कितना खर्चा आया जी? इसमें 68,000 रूपए का ड्राफ्ट बना था जी। 68,000 का, ठीक है जी। और इसमें 1,02,000 रूपए सरकारों ने दिए। अच्छा, राज्य और केंद्र ने? राज्य और केंद्र। अच्छा अच्छा, तो कोई ज्यादा ऐसा तो नहीं भागदौड़ का काम है? नहीं जी कुछ भी नहीं, बस एक बार ड्राफ्ट जमा करके आया था, उसके बाद तो अपने आप आके लगा गए यहीं घर पे सब चीज। अच्छा, एक बोल्ट भी नहीं लिया, सारी चीज अपनी। सीमेंट तक लाए थे, फाउंडेशन बनाने के लिए सीमेंट भी अपना ही लेके आए थे। अच्छा अच्छा, तो कुल मिलाकर आप कह सको कि किसान के लिए बढ़िया सुविधा? हाँ जी बहुत अच्छा। अगर किसी का गांव के गोरे में आ रहा तो उनके लिए तो घने फायदे का। बहुत ही बढ़िया उनके लिए, तो वैसे ट्रॉली पे भी दे रहे हैं खींच के। अच्छा ट्रॉली पे भी दे रहे हैं। अच्छा ट्रॉली की भी स्कीम है? ट्रॉली की भी स्कीम है, उसमें 50,000 रूपए भी अलग ले ट्रॉली के। अच्छा अच्छा, ट्रॉली पे जैसे ट्रॉली का क्या बता रहे जी? ट्रॉली का ये बता रहा हूँ कि जैसे शटर होता है ना। हाँ जी, शटर को घुमा के ऊपर नीचे करना है, ऐसी वो ट्रॉली पे शटर की तरह वो खुल जाए पहले तो। अच्छा जब अच्छा, चलाने हो जी जी, जब घर को लाना हो तो उसे बंद करो, उस पर तकत के ऊपर आ जाओ, अपने लेके घर को चले आओ। तो दिन दिन में अपना धूप धूप में ले जाओ, और फिर अपना जोड़ो। तो ये भी बढ़िया जुगाड़ है जी ट्रॉली का। तो इसके लिए ब्लॉक में संपर्क करना पड़ेगा? हाँ जी ब्लॉक में संपर्क। तो भाइयों जिसे भी ये पैनल लगवाना हो अपने नजदीकी ब्लॉक में संपर्क करें, इनका ब्लॉक तो मवाना लगता है। तो इन्होंने ये छूट ली इनका 65,000 रुपये में, ये मान लो कि कनेक्शन की इन्हें सारी टेंशन खत्म होगी। और ये देख लो 4 बीघे भराई कर रहा है जी, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं आ रही, कोई समस्या नहीं, एक साल हो गया। अच्छा घर का भी लोड चाहे इस पे चल? घर का सिर्फ पानी है, अभी मैंने इसका इन्वर्टर लगवाया नहीं। अच्छा अच्छा, इसका इन्वर्टर लगवा दोगे तो वो भी चल जाएगा? तो घर का भी चला जाएगा। अच्छा, उस समय में आपको पानी बंद करना पड़ेगा। अच्छा उस समय पानी बंद करना, अगर ट्वेल बंद है तो अपना घर का देख लो। हाँ जी बिल्कुल। या फिर इसमें
फालतू लगवा लो फिर बड़ा, मतलब सरकार तो अपने हिसाब से लगा रही होगी। 2 इंची का होगा ये, 2 HP से लेकर और 10 HP तक है। अच्छा 2 HP से 10 HP तक, आपका 2 HP जो 3 HP का। अच्छा 3 HP का जी। तो भाइयों तो इसमें आप ब्लॉक में संपर्क करके ज्यादा जानकारी वहां से मिलेगी, बाकी का मुझे इनका ये मॉडल अच्छा चला। तो साग सब्जी जी अपनी, बस साग सब्जी अपनी है जी। अब ये जो गोबर गे रखा जैविक कैचे और डालने जी। अच्छा कैचे और डालने जी। तो अपना आ गया प्राकृतिक की तरफ, मतलब देख बीमारी है अपना बाजार में तो मतलब बहुत बीमारी की। गेहूं और अपना जो खाने की चीज है वो तो अपनी करनी है। हाँ बिल्कुल सही बात है जी। और किसानों को कहीं ना कहीं जिन पर जमीन है उन्हें सोचनी चाहिए कि अपना आप तो शुद्ध खा लो कम से कम। नहीं वो तो जो दूर भी जिनके हैं कम से कम ये करो कि भाई 5 बीघे कर लो। हाँ जी हाँ जी सही बात। उसमें मत गन्ना वन्ना बो। हाँ जी अपने गेहूँ कर लो, फिर पशुओं के लिए चारा कर लो, फिर गेहूँ कर लो। जी जी जी। तो भाइयों अब का जो है हमारे किसान भाई सुपर नेपीरियर भी लेकर आए, मंडोरा से लिया था जी। हाँ जी मंडोरा से लाया। अच्छा अच्छा चलो जी बहुत बढ़िया जी। तो ये देख लो जी इनका मैंने मॉडल दिखा दिया। अब इनका भाइयों जो ट्रेंच विधि गन्ना है सामने देख लो आप, ये कोलक 1401 लग रहा और इन्होंने पहली बार में जो है ट्रेंच विधि द्वारा लगाया आपकी बार। तो ये डबल लाइन लगाया जी आपने? हाँ जी डबल लाइन है पेट्रो। अच्छा पेट्रो से लगाया आप, तो इसमें सिंगल क्यों नहीं लगाया जब ट्रैक्टर लिया है आप? अजी हमारे पिताजी कहने लगे कि भाई ज्यादा कभी नुकसान हो जाए तो दो करके लगा ले। अच्छा अच्छा हाँ। तो फिर आपने दो करके लगा? दो करके लगा ले, वैसे नुकसान रहा दो में। अच्छा दो में मिट्टी नहीं चढ़ पाई जी। हाँ मिट्टी नहीं चढ़ पाई हाँ। तो बांधना पड़ रहा है दोबारा, क्या फायदा जी जी। तो भाई ये देख लो डबल लाइन से इधर आ जाओ जी, डबल लाइन से बुआई करी। तो ये सामने जो है इनकी गन्ना वेरायटी कोलक 1401 होगी। 1401 जी जी। तो जैसे आपने ट्रेंच से लगाया जी, जी तो ट्रेंच का कैसा मन में आई थी, मतलब कैसा? बट ट्रेंच का इसलिए आया कि जी मुझे खेती करनी थी, मजदूर यहाँ पे मिलते नहीं। तो भाइयों मैं ऊपर आ गया, ये देखो इस तरीके का इन्होंने ये चिनवा का फ्रेम बना रखा और उस पर फिटिंग हो रही। जो स्टार्टर है जी इसका? जो स्टार्टर है। अच्छा अच्छा यहाँ पे स्टार्टर होंगे, ये MCV लग रही इधर और ये 3 kW का आज। हाँ नौ पैनल लग रहे। अच्छा नौ पैनल लग रही। 335 वाट का एक पैनल जी जी। बाकी का ये फ्रेम रेम का सब कुछ खर्चा? टोटल सब खर्चा। अच्छा ये समझो कि ये सीमेंट उन्होंने लगाया यहाँ पे। जी जी जी। ये नीचे तक है वहाँ तक पूरा फाउंडेशन फिट। तो ये तो बढ़िया जुगाड़ लगा जी हमें तो बहुत। तो भाइयों जिसे भी भाई को अपनी 12 अलग लगानी है, कनेक्शन से पीछा छुटाना बिजली के और इन रफड़ों से बचना, तो उनके लिए बहुत बढ़िया सौदा है इसका सोलर पैनल का, 25 साल तक टेंशन मुक्त रहने का। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी।